फूलपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां विविध जातियों का प्रभाव है जो चुनाव परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फूलपुर विधानसभा में प्रमुख जातियों समूहों की संख्या इस प्रकार है। यादव लगभग 70,000 वोटर, ब्राह्मण लगभग 50,000 वोटर, दलित ज्यादातर पासी लगभग 45,000 वोटर, मुस्लिम लगभग 40,000 वोटर, कुर्मी लगभग 30,000 वोटर, निषाद लगभग 25,000 वोटर, राजभर लगभग 20,000 वोटर, मौर्या कुशवाहा लगभग 15,000 वोटर, अन्य पिछड़ी जातियां लगभग 20,000 वोटर। इस जातीय विभाजन से स्पष्ट है कि यादव, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाता चुनावी समीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा दोनों को ही इन जातीय समीकरण के आधार पर अपनी चुनावी रणनीतियां बनाती हैं, जबकि बसपा और अन्य पार्टियां भी जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी उतारती हैं। फूलपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास। फूलपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रोचक रहा है। यह क्षेत्र राजनीतिक तौर पर हमेशा से चर्चाओं में रहा है और विभिन्न दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। फूलपुर लोकसभा सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वीपी सिंह जैसे बड़े नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहीं फूलपुर विधानसभा सीट ही कई बार सत्ता परिवर्तन की गवाह बनी है। फूलपुर विधानसभा सीट का चुनावी अतीत। 1952-1980 तक शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी का इस सीट पर दबदबा था। कांग्रेस ने लगातार जीत दर्ज की, लेकिन 1980 के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। 1980 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और समाजवादी पार्टी, सपा तथा बहुजन समाज पार्टी, बसपा ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। इस दौरान कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई। 1990-2010 के दशक में सपा और बसपा ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया।